हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ड्रीम इलेवन के बिजनेस मॉडल के बारे में। ड्रीम इलेवन एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और इंडिया का टॉप गेमिंग स्टार्टअप। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2017 में $290 मिलियन की थी, जो की 2021 तक $1 बिलियन की हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्कोप है और इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में से एक है जहां पर ऑनलाइन गेमिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है। ड्रीम इलेवन इंडिया का पहला ऐसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो कि गेमिंग स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या ड्रीम इलेवन सेफ है, लीगल है, इलीगल है। कुछ लोग इसे सट्टे का प्लेटफॉर्म भी समझते हैं, कुछ लोग इसे ऑनलाइन सट्टा भी कहते हैं। तो समझते हैं कि एग्जैक्ट ड्रीम इलेवन है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं सट्टा क्या होता है। मान लीजिए CSK और मुंबई इंडियंस का मैच है और आपने 100 रुपीज की बैट लगाई है कि अगर मुंबई इंडियंस जीतेगी तो आप 100 रुपए दोगे, अगर हारेगी तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस हार जाती है तो आपको जो है 100 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो 2 ही हैं, या तो मुंबई हारेगी या जीतेगी, और ड्रॉ हुआ तो सुपर ओवर में भी रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर अगर हम लक अजमा रहे हैं तो ये सट्टा। तो ये चीज जो पहले होती थी सट्टा होता था, इसके अंदर गेम फिक्सिंग वगैरह सब कुछ होती थी। लेकिन जो ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म है, आप इसके अंदर अपनी खुद की वर्चुअल टीम बना रहे हो। मान लीजिए मुंबई इंडियंस और CSK का मैच है तो आप दोनों टीमों में से अपनी खुद की एक प्लेइंग इलेवन टीम चुनोगे और वो टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी उसके बिहाफ पे आपको मनी मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका माइंड यूज हो रहा है। तो कोर्ट का ऐसा कहना है कि इसके अंदर जो है स्किल ऑफ माइंड यूज हो रहा है, आपका माइंड यूज हो रहा है। ये लक के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, आपकी क्रिकेट की कितनी अच्छी नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनी जीतोगे या हारोगे। तो इसे जो है लीगल है, पूरी तरीके से इंडिया के अंदर लीगल है। सिर्फ 2-3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये इलीगल है, बाकी पूरी कंट्री के अंदर ये लीगल है। ड्रीम इलेवन को हर्ष जैन और भाविक सेठ ने स्टार्ट किया था। 2008 के अंदर इन्होंने ड्रीम इलेवन को स्टार्ट किया था। ऐसे साइड प्रोजेक्ट, ये इंग्लिश फुटबॉल लीग के जो है बहुत ही बड़े फैन थे, उसके रिगार्डिंग इन्होंने ड्रीम इलेवन स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ 2010 में ये रेड डिजिटल नाम के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे, जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी थी। 2013 के अंदर उन्होंने इस एजेंसी को 7 करोड़ के ऊपर में बेच दिया था और 2012 के अंदर इन्होंने ऑफिशियली ड्रीम इलेवन को लॉन्च किया। अभी इनके 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और इस साल ये IPL के ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर। तो आइए हम समझते हैं कि ड्रीम इलेवन वर्क कैसे करता है। तो ड्रीम इलेवन जो है वो रियल क्रिकेट के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले आपको मैच सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आज CSK और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच है, तो आपको एक मैच सिलेक्ट करना होगा। जो भी मैच होगा, मान लीजिए अगर आप क्रिकेट सिलेक्ट करते हो तो जो क्रिकेट में जितने भी मैच होंगे वो सारे आपको शो होंगे, उसमें से आपको जो अपना एक मैच सिलेक्ट करना है। सेकंड है, यहाँ पर आपको अपनी एक प्लेइंग इलेवन टीम चुननी होगी। जो भी आपने मैच सिलेक्ट करा उसके अंदर जो भी 2 टीम है, मान लीजिए आपने CSK और किंग्स इलेवन का मैच है तो आपको दोनों में से प्लेइंग इलेवन अपनी टीम चुननी होगी। टोटल आपको 100 स्कोर्स मिलेंगे जिसमें आपको अपना एक विकेट कीपर, 3 से 5 बॉलर, 3 से 5 बैट्समैन और 2 से 3 आपको ऑलराउंडर्स यहाँ पर चुनने होंगे। जितने भी प्लेयर्स होंगे दोनों टीमों के, उनके उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स होंगे। टोटल आपके पास 100 पॉइंट्स है और आपको 100 पॉइंट्स में से टीम बनानी है, अपनी ऑलराउंडर्स, बॉलर और सभी आपको चुननी हो। ऐसा नहीं है आप सारे बॉलर्स चुन लो या सारे आप अपने बैट्समैन चुन लो, आपको सारे जो इन्होंने पैरामीटर सेट किया हुआ उसके हिसाब से चुनना होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप टॉप के बॉलर्स, टॉप के बैट्समैन, टॉप्स के जो है आप यहाँ पर ऑलराउंडर चुन लो, क्योंकि आपके पास टोटल 100 पॉइंट है। और अगर आप टॉप के किसी प्लेयर को चुन रहे हो तो आपके ज्यादा क्रेडिट्स यूज हो। मान लीजिए कोई एक प्लेयर है वो फॉर्म में चल रहा है तो उसके 10 क्रेडिट्स होंगे, और अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो उसके 8 क्रेडिट्स होंगे। तो यहाँ पर आप जो है आपको बैलेंस चुननी, टीम चुननी होती है, क्योंकि आपके पास टोटल क्रेडिट्स यहाँ पर 100 ही है। उसके बाद आपको जो है अपना एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुनना होगा। एक यूजर जो है मैक्सिमम 6 टीम जो है अपनी बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। मान लीजिए इनका एक टॉप का टूर्नामेंट है, कॉन्टेस्ट है, जिसके अंदर विनिंग जो प्राइज है वो 1 करोड़ है। उसकी एंट्री फीस होगी 50 रुपीज। तो मान लीजिए 50 रुपीज है और 1 लाख मान लीजिए उसके अंदर एंट्री है, तो 1 लाख लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, 50 रुपीज हर कोई पे करेगा। और उसका टोटल रिवॉर्ड है कि अगर
टॉप फर्स्ट आते हो तो आपको इतने करोड़, सेकंड पे इतने, थर्ड पे इतने, इस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इस टाइप से वर्क करता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इन सभी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक एंट्री फी लगेगी और वो एंट्री फी आपको पे करनी होगी, और बदले में आप जो इनका रिवॉर्ड होगा आपको वो मिलेगा अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। आपके टीम्स के यहाँ पर स्कोर्स होते हैं, अगर एक रन है तो एक स्कोर हो जाएगा, अगर एक विकेट गिरी है तो 25 स्कोर्स, इस टाइप से होता है कि कैच करी है तो उसके इतने स्कोर्स हैं। तो जैसे टीम में जो है आपके प्लेयर्स रियल टाइम में परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से उनको स्कोर्स मिलेंगे, और जिसके सबसे ज्यादा स्कोर्स होंगे उन्हें ये प्राइज मिलेगा। तो गाइस अब हम फाइनली बात करते हैं कि ड्रीम इलेवन मनी कैसे अर्न करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्टेस्ट के अंदर यहाँ पर टीम सबमिट करनी है। मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट है जिसकी एंट्री फी 100 रुपीज है और 100 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 100 यानी कि 100 इज टू 100, यहाँ पर 10,000 रुपीज आपने जो है टोटल ड्रीम इलेवन के पास आए हैं। तो ड्रीम इलेवन इसमें से 7,000 या 8,000 प्राइस के रूप में सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मान लीजिए टॉप को 5,000, फिर सेकंड वाले को 1,000, फिर 500, इस टाइप से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और हमेशा जो टोटल होता है, यानी कि जो रिवॉर्ड्स का टोटल होता है और जो उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसमें डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस जो है उनका सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स है। अब तक ड्रीम इलेवन $385 मिलियन की फंडिंग राइज कर चुका है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रीम इलेवन कैसे मनी अर्न करता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।